इस बीच आई एक बहुत बड़ी खबर, मैं आपको बता दूं, महानगर कोलकाता के शहर के बीचों बीच राजभवन के सामने सराफा बिल्डिंग में लगी आग। आप देख सकते हैं किस तरह से आग में लिपटा हुआ यह बिल्डिंग है। यह आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लगी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सेंट्रल बैंक की शाखा थी और छत के ऊपर उसका किचन घर था। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आग किचन घर में लगी है। आप देख सकते हैं आग की लपटों ने मिनटों में ही फिजाओं में काला धुआं भर दिया। देख सकते हैं किस तरह से जो है इस आग की लपटें बाहर की तरफ फेंक रही है। जैसा कि हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि आग की गर्मी की वजह से छत के कुछ हिस्से भी टूटकर ज़मीन पर गिर रहे हैं। इस मामले ने पूरे इलाके में गहमा गहमी भर दी। ये मामला ठीक राजभवन के सामने सराफा बिल्डिंग की है। इस मामले को देखने के लिए खुद राजभवन से राज्यपाल को बाहर निकलना पड़ा। राज्यपाल ने खुद इस मामले को देखा खड़े होकर कि आग किस तरह से लग रही है। मौके वारदात पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त से आग पे काबू पाने की कोशिश की। जैसा कि हम देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महानगर कोलकाता में शहर के बीचों बीच जहाँ पे राजभवन है ठीक उसके ही सामने आग लग गई। जैसा कि आप देख सकते हैं छत के हिस्से अभी भी छत के हिस्से टूटकर गर्मी से गिर रहे हैं और लोग इस मंजर को देखकर हैरान हैं कि शहर के बीचों बीच इस तरह की भयानक आग किस तरह से, जैसा कि हम अभी आपको दिखा पा रहे हैं सर के छत के कुछ हिस्से ज़मीन पे गिरते हुए जैसा आप देख पा रहे हैं। और हम आपको ये भी दिखा पा रहे हैं कि देखिए इस आग के धुएं ने पूरे फिज़ा में एक कालापन छा दिया है। पूरे फिज़ा काली नज़र आ रही है, धुआं लहलहा कर निकल रहा है और आग भी बड़ी ही तेज़ी से जोर पकड़ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी दिखा पा रहे हैं कि ठीक इस बिल्डिंग के सामने राजभवन है, वहाँ से राज्यपाल भी इस नज़ारे को देखने की, ये दुखद घटना जैसा कि हम देख सकते हैं राज्यपाल भी मौजूद हुए और मौके वारदात पे 4 गाड़ियाँ। आइए क्या कहा फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने इस मौके पे, देख लेंगे न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। इवैक्यूएशन सुजित दा बोलछी इवैक्यूएशन सबा क्यों आटके आछे।